दिल्ली से किसान जत्थेबंदियों की मीटिंग खत्म हो गई है। कुंडली बॉर्डर पर हो रही थी मीटिंग, किसान जत्थेबंदियों की ये मीटिंग खत्म हो गई है, बैठक समाप्त। बुराड़ी कूच पर नहीं बनी सहमति, बुराड़ी कूच पर मीटिंग हो रही थी, सहमति नहीं बनी। दिल्ली से बड़ी खबर, किसान जत्थेबंदियों की मीटिंग खत्म। बुराड़ी कूच पर ये बैठक हो रही थी, कुंडली बॉर्डर पर हो रही थी मीटिंग, लेकिन इस मीटिंग के समाप्ति के बाद जो चीज निकल कर आई वो ये कि बुराड़ी कूच पर सहमति नहीं बनी। दिल्ली से बड़ी खबर, किसान जत्थेबंदियों की मीटिंग खत्म। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे, कुंडली बॉर्डर पर हो रही थी मीटिंग, बुराड़ी कूच पर नहीं बनी सहमति। ये बड़ी खबर दिल्ली से, किसान जत्थेबंदियों की मीटिंग खत्म, कुंडली बॉर्डर पर हो रही थी मीटिंग, बुराड़ी कूच पर नहीं बनी सहमति। ये बड़ी खबर दिल्ली से पहुंचा रहे हैं, किसान जत्थेबंदियों की मीटिंग खत्म। ब्रेकिंग न्यूज, किसान जत्थेबंदियों की बैठक खत्म हो गई है, कुंडली बॉर्डर पर हो रही थी मीटिंग। आपको बता दें कि बुराड़ी कूच को लेकर मीटिंग हो रही थी, लेकिन बुराड़ी कूच पर सहमति नहीं बनी इस मीटिंग में। किसान जत्थेबंदियों की मीटिंग की यह खबर पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, बड़ी खबर, किसान जत्थेबंदियों की मीटिंग खत्म हो गई है, कुछ खास निकल कर नहीं आया इस बैठक से। कुंडली बॉर्डर पर आपको बताएं कि ये मीटिंग हो रही थी, इस मीटिंग में बुराड़ी कूच को लेकर बात हो रही थी, लेकिन बुराड़ी कूच पर इस बैठक के खत्म होने तक कोई सहमति नहीं बनी। हमारे संवाददाता राजा पटेल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उम्मीद थी कि इस बैठक से आगे की रणनीति कोई रूपरेखा निकल कर आएगी राजा, लेकिन कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया, अगर आया तो बताएं। जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, करीबन सुबह 8 बजे से लेकर और अब तक 3 बज चुके हैं, करीबन 3 बजे तक करीबन 8 घंटे ये मीटिंग चली है, पर मीटिंग कहीं ना कहीं बेनतीजा निकली है। साफ तौर पर जो किसान संगठन है, जो बड़े नेता है, उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अब हम सिंधु बॉर्डर पर ही रहेंगे, यहाँ से हम ना ही बुराड़ी जाएंगे ना ही कहीं जाएंगे। अब जितने नेता हैं, जितने केंद्र के मंत्री हैं, वो यहीं पर आकर जमीन पर हमारे साथ बात करें और लिखित में आश्वासन देंगे, उसके बाद ही कोई आंदोलन खत्म होगा। अभी ऐसे कोई विचार विमर्श नहीं है। तो साफ तौर पर किसान के जो बड़े नेता है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम अब यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजा पटेल इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका।